हेलो फ्रेंड्स, आप लोग इंतजार करके तो थक चुके होंगे कि GTA 5 एंड्रॉयड के लिए ऑफिशियली रिलीज होगा, लेकिन रॉकस्टार की तरफ से अभी तक GTA 5 एंड्रॉयड के लिए लॉन्च हुआ ही नहीं। ऐसे बहुत सारे गेम बन चुके हैं जो कि GTA 5 से सिमिलर हैं। अगर आप उस गेम को खेलोगे तो आपको एक अच्छा ओपन वर्ल्ड गेम्स का एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो हाँ यार, इस वीडियो के लिस्ट में भी मैंने काफ़ी ज़बरदस्त गेम को ऐड किया है। हो सकता है किसी गेम को आपने खेला होगा तो किसी का नाम भी नहीं सुना होगा। इस लिस्ट में जो गेम है उसका नाम अगर आप पहली बार सुनेंगे तो आप उसे एक बार जरूर ट्राई कर लेना। हो सकता है वह गेम आपको काफ़ी पसंद आ जाए और वह गेम आपके फेवरेट गेम के लिस्ट में ऐड हो जाए। और हाँ, अगर आप इस वीडियो पे 30 लाख गेम का टारगेट कंप्लीट कर देंगे तो मैं समझूंगा कि आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाने की कोशिश करूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। लिस्ट में 5वें नंबर पे जो गेम है उसका नाम है इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D। इस गेम का साइज 69 MB है, जो कि प्ले स्टोर पे आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। और हाँ, लिस्ट में सभी गेम ऑफलाइन ही रहने वाले हैं। इस गेम में आपको अल्ट्रा लेवल की ग्राफिक्स देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको वेपन्स भी देखने को मिलेगा, जिससे आप आसपास के पॉपुलेशन को किल कर सकते हैं। GTA 5 की तरह इस गेम में भी आपको एक फोन देखने को मिल जाएगा। इस गेम में FPP और TPP दोनों मोड देखने को मिलेंगे, जिससे आप गेम का अच्छे से व्यू ले सकते हैं। इस गेम का कंट्रोल काफी सिंपल है, जिससे आपका गेम प्ले एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा इस गेम में आपको बाइक्स भी देखने को मिल जाएगी, जिससे आप स्टंट्स कर सकते हैं। ये सभी इंडियन बाइक्स होगी। इस गेम में मिशंस भी ऐड कर दिए जाते तो यह गेम और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन फिर भी 69 MB में आपको एक ओपन वर्ल्ड एरिया, इतनी अच्छी ग्राफिक्स देखने को मिल रही है, तो आप इसे डाउनलोड करके ट्राई कर ही लो। लेकिन अगर आपको मिशन वाला गेम खेलना है तो वीडियो में आगे बने रहे, क्योंकि आने वाले सभी गेम में मिशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं लिस्ट के अगले गेम की ओर। लिस्ट में जो 4वें नंबर पे गेम है उसका नाम है Payback 2। इस गेम का साइज 110 MB है और यह भी एक ऑफलाइन गेम है, जो कि आपको प्ले स्टोर पे फ्री में देखने को मिल जाएगा। इस गेम की ग्राफिक्स आपको डिसेंट लेवल की देखने को मिल जाएगी। और बात करें इसके कंट्रोल की, तो इसकी कंट्रोल काफी स्मूथ है, जिससे आपको इस गेम को खेलने में काफी मजा आएगा। इस गेम में आपको फोन पे मिशन दिया जाएगा। अगर आपको मिशन करने का मूड नहीं है तो आप गाड़ी लेकर पूरे मैप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि इसका मैप काफी बड़ा है। और हाँ, इस गेम में आप अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं, जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ रेस करेंगे, जैसा कि GTA 5 ऑनलाइन में होता है। इसके अलावा इस गेम में आपको और भी अलग अलग मोड देखने को मिल जाएगा, और गाड़ी जब ज्यादा ठुक जाती है तो उस गाड़ी में एक्सप्लोजन भी हो जाता है, जो कि देखने में रियल लगता है। तो यार, मैं इसे पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इस गेम को अभी तक नहीं खेला तो इस गेम को जरूर ट्राई करें, क्योंकि यह गेम है ही इतना अच्छा। जब आप इसे एक बार खेलोगे तो आप इसके सारे मिशन कंप्लीट करके ही मानोगे। तो चलिए बढ़ते हैं लिस्ट के अगले गेम की ओर। लिस्ट पे जो 3रे नंबर पे गेम है उसका नाम है गैंगस्टर विगेस वर्ल्ड ऑफ क्राइम, जो कि निकल के आता है गेम लॉफ्ट की तरफ से। इस गेम का साइज 2.2 GB है, क्योंकि इस गेम में डिटेलिंग्स काफी अच्छी की गई है, तो साइज तो इतना होना ही था। इस गेम की ग्राफिक्स इतनी अच्छी है और इसका गेम प्ले भी काफी बढ़िया है। इसमें आपको काफी बड़ी सिटी मिल जाएगी एक्सप्लोर करने के लिए, और इस गेम की स्टोरी लाइन इतना अच्छा है कि इसे खेलने में आपको मजा आ जाएगा। यह मोबाइल के लिए एक बेस्ट GTA सिमिलर गेम है। दोस्तों, यह गेम काफी पुराना है, इसलिए इसे मैंने लिस्ट के 3रे नंबर पे रखा। इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं लिस्ट के अगले गेम की ओर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लिस्ट पर जो 2रे नंबर पे गेम है उसका नाम है गैंग्स टाउन स्टोरी। यह गेम 658 MB का, जो कि आपको प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएगा। इस गेम की ग्राफिक्स आपको GTA Vice City की तरह देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको काफी सारे व्हीकल्स वेपन्स मिल जाएंगे। इस गेम में आप व्हीकल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं और वेपन को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके साथ ही इस गेम में आपको हेलीकॉप्टर और टैंक भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आप पूरी सिटी में तबाही मचा सकते हैं। अगर आप चाहे तो अपने करेक्टर को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इस गेम में आपको एक सिंपल सा कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, जिससे आप इस गेम को साइंस से खेल सकेंगे। इसमें दिए गए व्हीकल्स में आपको काफी सारे व्हीकल्स लग्जरी भी देखने को मिलेगी, और वेपन्स के साथ आपको RPG भी देखने को मिलेगा। इस गेम में आपके पीछे पुलिस भी पड़ जाती है, जिससे बचकर आपको निकलना होता है। तो यार, आप इस गेम को भी ट्राई कर सकते हो। इस लिस्ट में मैंने जितने गेम के बारे में बताया है सबका डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप प्ले स्टोर से जाकर सर्च करके उसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं लिस्ट के फाइनल और आखिरी गेम की ओर।
दोस्तों लिस्ट पे जो पहले नंबर पे गेम है उसका नाम है मैड आउट 2 बिग सिटी। इस गेम का साइज 482 MB है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके इस गेम को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस गेम का मैप बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा का मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो आप समझ ही सकते हो कि इस गेम का मैप कितना बड़ा है। इस गेम में आपको लग्जरी सुपर कार से देखने को मिलेगी, जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और बात करें इस गेम की ग्राफिक्स की, तो इस गेम की ग्राफिक्स आपको काफी ब्राइट लेवल की देखने को मिलेगी। इसके साथ इस गेम में आपको काफी सारे वेपन्स देखने को मिल जाएगा, जिससे आप गाड़ी को एक्सप्लोज या पॉपुलेशन को किल कर सकते हो। इस गेम में आपको डेजर्ट एरिया भी देखने को मिलेगा। इस गेम में आप जब किसी से गाड़ी छीनकर भागोगे तो वह अपनी गाड़ी लेने के लिए वापस आएगा, और साथ ही गाड़ी को ज्यादा ठोकने पर गाड़ी में डैमेज भी पड़ेगा। इन फीचर्स की वजह से यह गेम काफी रियलिस्टिक हो जाता है। और हाँ, इतना अच्छा गेम आपके 2GB रैम वाले डिवाइस में भी चलेगा, लेकिन हो सकता है ग्राफिक्स के साथ आपको कंप्रोमाइज करना पड़े, क्योंकि ग्राफिक्स आपके मोबाइल की रैम और प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों मैं एक बात बताना ही भूल गया कि इस गेम का फाइटिंग कॉम्बैट जो है काफी जबरदस्त है। जब आप इस गेम में फाइट करोगे तो आपको बिल्कुल GTA 5 वाली फीलिंग आएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आप हमें कमेंट करके यह बताना कि आपको कौन सा गेम पसंद आया। मैंने तो एक बार बोल दिया, लेकिन फिर भी आपको याद दिला देता हूँ कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना है, ताकि हमारी आने वाली सभी गेमिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए गेम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।